इलवेंस यादव, क्या नाम है, मादर चोद, साले कुत्ते है, तेरे माँ की चूत तेरी, तू खुद साले एचआईवी पेशेंट जैसा दिखता है, मादर चोद भिखाची की औलाद, तुझे क्या लगता है कि तू कैरी मिनाटी बनेगा कुत्ते, तुझे क्या लगता है कि बहन के लौड़े तू दो तीन लोगों को रोस्ट कर देगा और तू अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझता है, साले नल्ले भिखारी, बहन लोग बहन के चूदा ने तेरे बाप को गाली देगा, तू तेरी माँ चोदूंगा मैं, अपने आप को देखा है तूने कभी आईने में, भोसरी के तेरी शक्ल एचआईवी के पेशेंट पेशेंट जैसी हो रखी है मादर चोद, और तू मुझे गाली देगा, मुझे रोस्ट करेगा तेरे माँ की चूत तेरी, तेरे बाप को रोस्ट करेगा तू, बहन चो सबको तूने ठाड़ा भाई जोगिंदर समझ के रखा है, मादर चोद तेरी माँ का इतना दूध दूध पी जाऊंगा, इतना दूध दूध पी जाऊंगा कि तेरी माँ ने सोची ना होगी, समझा, तो पंगा मत ले मुझसे बेफालतू में, तेरे माँ की चूत तेरी, साले गरीब इंसान। बस बहन चोद जितने भी ये भिखाची लोग हैं उन लोगों को ये लगता है कि बहन चोद किसी को हम रोस्ट कर देंगे तो हम कैरी मिनाटी बन जाएंगे और हमको यूट्यूब से इनकम आने लगेगी, साले नल्ले बेरोजगार माँ भोसड़ी के कुछ काम कर ले जिंदगी में, अगर कुछ काम नहीं है तो मादर चोद किसी ट्रक पे जाके झाड़ू पोछा लगा, वहां से भी तुझे रोज के 200 मिल जाएंगे, क्या नाम क्या इसका? एल्विश यादव। पता, एल्विंस यादव, इसकी माँ की चूत, उसकी बेफालतू में बहन चोद गाली दे रहा है मुझे, इसकी माँ का भोचड़ा, उसकी मादर चोद, मुझसे मुझसे मत उलझ, ठीक है, तू कहीं का भी यूट्यूबर होगा, मादर चोद रोज गाली, भाई पनौड़ी आर्मी वाले जितने भी है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एचआईवी के पेशेंट की ऐसी मीम्स बनाओ बहन के लोड़े की कि उसकी माँ चूत जानी चाहिए, मैं सूफी उसको जानता नहीं हूँ, वो कौन है कौन नहीं है, आई डजन इवन आई डोंट नो दैट गाय, ठीक है, उसकी माँ की चूत, उसकी साला दो कौड़ी का भिखाची, बहन चोद तू मुझे गाली देगा, अमेरिकन को गाली देगा तू, तेरी औकात है तेरी माँ की, अब घोसड़ा तेरी, बेफालतू में गाली दे रहा है ये मुझे सूफी, बेफालतू ये का है है कौन जिनको मादर आपको चूत? गाली दे रहा है, छोड़ो ना, आप इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो उसको, ऐसी की नहीं तैसी अरे करो। नहीं, वो गाली इसलिए दे रहा है, उसने पहले उसको पकड़ा थाड़ा भाई जोगिंदर को, राइट, बिकॉज इज अ बिग अकाउंट, हाँ, उसके बाद उसने अब मुझे पकड़ा, आपको समझ आ जाती मुझे तो पता ही नहीं था ये बंदा मुझे पिछले 3-4 दिनों से गाली दे रहा है, मुझे पनौड़ी आर्मी वालों ने बोला कि है। आपका बॉस उसके साथ क्या हुआ है, मैंने बोला भाई मैं तो जानता ही नहीं इसको कौन है ये, तो इसको चाहिए फेम, फेम, यस, इसको चाहिए फेम, लेकिन ठाड़ा भाई जोगिंदर तो इतना ही बोलेगा कि मैं इतनी सोडा पी जाऊंगा, मैं इतना खाना खा जाऊंगा, यहाँ पे तो मैं तेरी माँ की चूत में पूरा घुस जाऊंगा, आई एम नॉट जोगिंदर, समझा, तेरी माँ की चूत में पूरा, सुन रहे हो रोवेश यादव, तेरी माँ की चूत में ऐसा पूरा पैर डाल के, ऐसा पूरा पैर डाल के 6 महीने तक खड़ा रहूंगा मैं, ऐसे निकलूंगा नहीं, तेरी माँ जितना भी चिल्लाएगी और चिल्लाएगी तो 2 पैर डाल दूंगा, अभी 2 पैर ऊंचा करूंगा तो मैं खुद गिर जाऊंगा, क्योंकि गिरा हुआ इंसान हूं ना मैं, ओ माय गॉड, पनोड़ी भाई, ये इमेजिनेशन, अब मैं नहीं मरूंगा भाई, अब मैं नहीं मरूंगा पनोड़ी भैया, इमेजिन अरे यार आप तो कर लिया मुर्दा में मैंने भी जान पूरा डाल देते हो यार, अब इमेजिन नहीं मरूंगा मैं, लिया। अब हम ये देखना चाहेंगे क्या हमारी समझे, इमेजिनेशन सही थी या नहीं थी। अरे यहाँ मैं भी जंगल में दो बहुत पैर, ठंड है, मैं 2 पैर ऊंचा करता तो मैं खुद गिर जाता ना, क्योंकि मैं खुद एक गिरा, मैं खुद एक गिरा हुआ इंसान हूं, अरे तभी पनोड़ी भैया सब कहते हैं कि डिप्रेशन के जितने भी मरीज हैं आपकी ये वीडियोस वीडियोस सब देख के सही हो जाते हैं, सही, दिल सच्ची की में यार, अब धड़कने मुझे तेज हो समझ में, जाती है उनकी, तेज हो जाती है दिल की धड़कने एकदम ना। अरे मैं कितना डिप्रेशन में था, महिला देखो भैया ने मेरे को हंसा दिया, 2 मिनट में ठीक हो गए, देखो डर निकाल दिया उन्होंने 2 मिनट में आपका। यार कंट्रोवर्सी करनी होती है ना तो आप एक बार फोन करके बोल दो कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, मजे मजे लेंगे,
अब ये साला तू फिर मादर चोद मुझे जानता नहीं है, ये कभी बहन चोद हरियाणवी पाठशाला में पढ़ा हुआ बहन का लौड़ा, हरियाणा परिवहन में घूमने वाला आदमी, उसकी मैंने प्रोफाइल चेक की, बहन चोद वो डॉग पॉडी का स्प्लेंडर लेके घूमता है वो खेतों के अंदर, और तू मुझे गाली बोलेगा, तू तेरी औकात है? हेलो माय लव, कैसी हो? हेलो गोल्डी जी, और पनोड़ी कैसे भाई, हैं? आज किसकी क्लास ले रहे बिल्कुल हो? ठीक, आप बताइए. अरे मैं तो गुल्ली पे उसे जानता भी नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर है पहले बहन ये का बताओ, लौड़ा मैंने जैसे एक्सप्लेन का। किया आपने वो इमेजिन नहीं, किया है कि नहीं किया, पहले मैं तो ये अभी बताओ. जो जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, पता नहीं ओहो, क्या। यू मिस्ड इतना इम्पोर्टेंट अरे पार्ट मुझे ऑफ लाइफ मरने का से आपने बचा मिस लिया कर आज, पनोड़ी दिया. भैया ने मुझे मरने से बचा लिया एक यार। भाई मैं आज टेंट में मैं भी बैठे डिप्रेशन का पिंग मरीज मार हो रहा गया था था भाई, भाई। पिंग पे कैंपिंग कर रहे हैं आज ये. ये गोल्डी भाई को पता है, गोल्डी भाई आपको याद है ना वो डार्क साइड से मुझे मारने की धमकी मिली थी, शायद आपको याद होगा, आपने बोला कि पनोड़ी हाँ भाई वो मेरे रशिया घर से पे आ आई थी जाना कुछ आप एक धमकी। महीने के लिए, हाँ रशिया से। इस बंदे को दुबई से आई है सुपारी, ये बंदा घर छोड़ के भाग कल कल मैं ये बताऊँ, अपना खाना पीना मुझे टेंट भी वोट लगा एक लिया वो जंगल में इन्होंने. आईटी से ना, आईटी का नाम था छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम, मेरे को भी आई थी धमकी कि तेरा ये कर देंगे। मैं बहन के लोड़े पहले अपनी रियल आईडी से आ। इतनी हिम्मत है गॉड, किसी के छोटा ऐसे शकील लोग आ घर पे गए कि तो। कोई भी किसी को धमकी दे देगा? ये पागल बैठे हैं यहाँ पे सारे के सारे. बिल्कुल, लेकिन सूफी, नाउ यू आर मेरा ओके राइट? तो अभी मेरे को यार ऐसे लगा कि मेरे पास मेरे चार अभी तो भाई कहीं बहन बैठे किसी के हैं घर ही और चला मेरे को जाता। तसल्ली है। लेकिन टेंट के बाहर जाके फिर भी चेक कर तो लेना एक बार सब ये ठीक है नहीं. तंबू कहाँ गाड़ा है, कौन से जंगलों में अरे यार गाड़ा है? ये अभी तो मैं हिमाचल में हूँ, मैं सुबह दिखाऊंगा आपको व्यू, अभी तो बाहर बहुत डार्क है और डर भी लग रहा है मेरे को, बाहर नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि तो बहुत यहाँ पे पढ़ते हो बहुत निकला सूफी, तो घना जंगल है। ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे हाँ भैया, ये अरे बात तो है. नहीं, गोल्डी भैया आप भी ध्यान से आना भैया, मुझे देखो भैया मरने से डर नहीं लगता, जब वो भैया गोली मारते तो सर में खेल खत्म, एक काम करना, बहन चोद इधर गांड आओ पे छोड़ बेल्टे दो कौन इधर, काम खाएगा? हाँ का क्यों? सही बात, इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा मैं, डिलीट कर दूंगा भाई। मैंने भी उस टाइम पे यही सोचा था सूफी, लेकिन फर्क इतना है कि मैं अमेरिका में हूं तो मुझे 95 नहीं 99% कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये लोग कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन तू है इंडिया में जहां पे कुत्ते और इंसान की मौतों की कोई वैल्यू नहीं है. रहो मत अभी मेरे। अरे फिर हकीकत डर है। गई सूफी. अरे कसम से थोड़ा सा दिल ठीक हुआ था भैया, फिर डरा रहे हो मेरे को, ऐसे मत करो। सूफी तू इमेजिन कर, तू तेरी कार में जा रहा है, जहां पे तू रेड लाइट पे रुका है वहां पे तेरी एग्जैक्टली तेरे पास दो बाइक वाके, दो बाइक में दो लोग आके खड़े रहे, उन लोगों ने तेरे ग्लास को नॉक किया, तूने जैसे ही अपने कार का ग्लास ओपन किया वहीं पे तुझे दो डाल दी और निकल लिए, तो तू क्या करेगा? अरे पनोड़ी भैया पागल पागल हो क्या, उनको क्यों स्कीम दे रहे हो? वो मिर्जापुर, तो मेरी लाइव वाइफ मिर्जापुर देखते की रहते हैं तरह, भैया, वो जलते हैं मुझसे, मिर्जापुर की तरह अब उनको पनोड़ी क्यों भाई आइडिया दे रहे हो भाई? मिर्जापुर बनेगी सही में. हाँ दिल्ली में तो होता है ना गोल्डी भाई, ऐसे दो ऐसे आके बंदे, दो घूमते बंदे चले आए जाते थे हैं उनके पता भी साइड नहीं में, चलता. वो भी एनसीआर में ऐसी सब में होता है इतना. यामा यूमा, वो भी चोरी की होगी, आएंगे ठोक देंगे, नहीं पहले करेंगे सूफी गाड़ी के सामने भाई लगा लेते टक हैं. टक, सूफी भाई नीचा करे, हाँ ले बैंड ढो ढो। अरे सूफी टेंट, मैं जब भी बोल रही हूँ टेंट के बाहर जाके चेक कर लो, कहीं टेंट के अंदर से तो गोली इधर से उधर सूफी योर निकल लाइफ सकती इज है. इन डेंजर ब्रो नाउ। यार तुम मेरे दोस्तों के दुश्मन हो यार बहन चोद, मैं तुम्हें अरे यार बुलाता हूँ मैं भाई, दोस्त मेरी हूं मदद करो, लेकिन तुम मेरी कान पाड़ रहे हो यार, ऐसे अच्छा लगता है यार। पार थोड़ी रहे, बचा रहे जो मेरा हैं. तो दोस्ती से मन नहीं उठ गया तो यार, भाई तुम तो टेंट लोग में बहुत अकेला मजे है तो लेते हो दूर यार, बात तुम्हें है, किसी की दोस्ती में परवाह नहीं है भाई। मेरी मां,
मेरी बात सुन के, छोटे बच्चे को जब माँ दवाई पिलाती है वो कड़वी होती है फिर भी पिलाती है ना, वो बंदा, वो छोटा बच्चा ठीक हो जाए, तो अब मैं तुझे यारी दोस्ती में ऐसे बोलूंगा कि सूफी भाई कुछ नहीं होगा ये है, और किसी ने आके तुझे ठोक दिया तो भी फिर भी तू मुझे गाली बोलेगा कि भोसड़ी वाले पनौड़ी में तेरे भरोसे पे रहा? कम से कम वॉर्न तो कर, तू पुलिस मतलब कंप्लेंट तो सब कर चीजें दे। बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ, पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए यार? पहला स्टेप तुझे ये करना चाहिए कि सुबह में उठ के तुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर तुझे पुलिस स्टेशन जाने में डर लग रहा है तो यू हैव टू कॉल पुलिस, यानी उनको बोल कि आप लोग यहाँ पे आओ, मेरी गांड फट रही है, यू नेवर नो के रास्ते में मुझे किसी ने मार दिया तो तू, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू तो जा बट या तो वो उनको तेरे सूफी पास तुझे मारना क्यों चाहते हैं वो? और तीसरा रास्ता ये है, सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ गोल्डी भाई इसको, कि जैसे ही कल पुलिस वाले तेरे पास आए, एक आध पुलिस वाले को तू या ना चमेटे बमेटे मार दे तो वो लोग तुझे उठा के डाल देंगे पुलिस स्टेशन में। ओ माय भाई ये गॉड, ये मारना क्यों आइडिया अच्छा चाहते है। हैं तुझे सूफी? अरे यार, एक नीचे एक कमेंट करा, लड़का है गिबी दुबई रोड पे से, कमरा ले ले। गिबी रोड पे कमरा ले ले। जीपी हाँ, रोड पे क्या हो गया? क्या हुआ हाँ, क्या वहां हुआ दिल लगेगा क्या भाई हुआ पूरा, क्या मस्त, हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर मरने की तमन्ना खत्म। अरे यार, ये लोग जल रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं कि सूफी तेरा फेम बढ़ रहा है, तू फेमस हो रहा है, भाई हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुमने ऑडियंस ऑडियंस खा ली है, ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, मुझ पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, बोल रहे तेरे मीम्स बना देंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर ये सीधा सीधा पनोड़ी आज तो पनोड़ी धमकी भाई आ को गई भाई, मेरा तेरे को ड्रेस गोली दिख रहा मार है, ये देंगे मुझे ही लग रहा भाई, है। मैं तो भाग गया। ले दोबारा ले इनको, उनका घूम रहा है, घूम रहा है, घूम घूम रहा है। अरे रहा है। यार, हाँ, मैंने मेरे मेरे ये मैंने मेरी लाइन में प्रॉब्लम है गुल्ली भाई, मेरी लाइन में ही प्रॉब्लम है। दोबारा ले हाँ, पर पनोड़ी भाई भैया की को। आवाज तो बराबर आ रही है। हाँ आवाज सही आ रही है, अरे लेकिन नेट ऐसे से घूम रहा है, एक जगह रुके हुए हैं। आवाज तो आ रही पनोड़ी है। भैया बोलना जरा, एक बार ही बोलना। अरे आवाज आ रही है लेकिन मेरे मेरे वो अकाउंट में प्रॉब्लम हो रखी है ना। हाँ गोल्डी भैया रहने दो, आवाज सुनने दो, पता क्या है फिर भैया को तो ऐड क्या करने में आवाज बहुत दिक्कत आवाज होती है यार आती कसम रहेगी से, तो तेरा वो थोड़ा फिर हौसला पता नहीं अफजाई होती वापिस। रहेगी यार, हौसला अफजाई होती रहेगी, हाँ बस मोटिवेशन होगा। गोल्डी भैया, मैं यार कसम से फंस चुका हूँ, मुझे अब इस इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से कुछ ली लेना, मैं तो शुक्र है भगवान का, मैं पहले जंगल वंगल में घूमता था, मुझे सब रास्ते वास्ते पता थे अंदर के, कहाँ पे इंटरनेट आता है, कहाँ पे मछली मिल जाएगी सुबह को खाने के लिए, कहाँ पे मीठा पानी मिल जाएगा, कहाँ पे सूखी लकड़ी मिल जाएगी, ठंड कम मिलेगी, धूप मिलेगी, भाई मैं तो बच गया इसलिए, नहीं तो मैं तो पकड़ा तुझे जाता भी उनको, पूरे मेरी अंग्रेज लोकेशन वाले वोकेशन ठोकर सब उन्होंने पे जो ट्रेस कर कैंप ली। लेके उठ के चल देगा आधी आधी रात को, है तंबू गाड़ देगा जंगलों के बीच में, अकेला ही आया हुआ है, कई यार दोस्त हैं। भाई यार, ऐसी सिचुएशन में कौन साथ देता? ये देखो, एक बैटरी बैंक है मेरे पास, एक छोटा पावर बैंक है, वो मैंने बाहर रखा हुआ है, और मुझे बस, मैं पनोड़ी भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब तक तो आ गई, अभी 15 मिनट बाद का पता नहीं है। अच्छा यार पनोड़ी भैया, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, देखो करो, पता नहीं पुलिस आए कि ना आए, आप पनोड़ी आर्मी के एक दो लड़के भेजो यार, सुबह एक दो बोतल दारू की भेज दो, बस मेरा एक दो दिन दिल लगा रहे, जंगल में यही सरवाइव करूंगा, हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए एक दो दिन में। मुझे पूछने दो, ये पनौड़ी आर्मी में से कोई है, कहाँ रहता है तू? चंडीगढ़ में? हिमाचल में, हिमाचल में, तो मेरे को दस दो चार बोतल दारू की भेज दो और एक दो पेटी मिनरल इतना वाटर की टाइम भेज दो है बस। तुम्हारे पास, 2-3 बोतल पीने का टाइम है? अकेला बंदा क्या करे माइला, पता तुझे डर कितना लगता है यार, नहीं मतलब इतना टाइम मजाक दिया उन्होंने समझ रही कि है अभी यार, अभी बंदे बोतल की पी जान लो, वैसे फंसी हुई है यार। मेरा सवाल ये है कि इतना टाइम दिया उन्होंने धमकी देने के बाद कि आप 2-3 बोतल पी सकोगे?
अरे मेरे को तो किसी चीज का सहारा ही नहीं बचा यार, मैं क्या करूं बताओ। मेरा दिल करता है ये बोतल फोड़ के अपने गले में मार लूं यार, मर जाऊंगा मैं, इतना डर लग रहा है यार। डर तो, डर में जीना, तुझे पता डर में जीना क्या होता है? तो मर जा भोसड़ी, कैसी जिंदगी क्या, इतनी गांड फटी हुई जंगल जंगल घूम रहा है। मम्मी की बहुत याद आ रही है गोडी भैया। बहुत ज्यादा याद आ रही है मम्मी। अरे चल चुप हो, अरे चल चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा।